हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। देखो, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है आप लोगों के लिए। अगर आप 10th 12th क्लास में हो और अगर आप लोगों ने एग्जाम दे दिया अपना 10th और 12th का, तो ये इम्पॉर्टेंट सूचना है कि आंसर कॉपी कैसे चेक होने वाली है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो, नोटिस आया हुआ है ये अभी अभी मैंने देखा और मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ इसके लिए। देखो, यहाँ पर बोल रहा है एमपी बोर्ड एग्जाम 2024। अभी अभी आपको पता होगा कि एग्जाम चल भी रहे हैं और कुछ स्टूडेंट के एग्जाम खत्म भी हो गए हैं, ठीक है ना। तो देखो, आधा उत्तर सही होने पर मिलेंगे नंबर, बोर्ड परीक्षा में कॉन्सेप्ट के आधार पर होगा मूल्यांकन। कॉन्सेप्ट के आधार पर मतलब बोल रहा है कि देखो, समझना एक बात को कि यहाँ पर बोला है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एग्जाम चेक होगा आप लोगों का, मूल्यांकन यानी होता है कि आंसर कॉपी चेक होना। तो देखो, ये भोपाल का नोटिस है, तो क्या कह रहा है ये, माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार चेकिंग निष्पक्ष बनाने के लिए हाई स्कूल और सेकेंडरी के परीक्षाओं की कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों को एक आंसर की प्रदान करेगी। यानी कि बता रहा है भाई कि एक आंसर की देंगे, जो लोग टीचर होंगे उनको एक आंसर की दे देंगे वो लोग पहले से, जिससे कि उनको प्रश्नों के सही उत्तर मालूम करने के में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो उनको आंसर में आसानी होगी और साथ ही समय भी कम लगेगा। सीधी बात है कि अगर उन लोगों के पास में एक आंसर की रहेगी तो उन लोगों को एक्यूरेट आंसर पता चल जाएगा। जैसे हर बार क्या होता था कि जैसे कोई टीचर है, उसको पहले से कोई आंसर उसने याद करके रखा है, अब बच्चे ने कोई और तरीके से आंसर लिखा तो गलत हो जाता था, ठीक है। उन्होंने तो गलत दे दिया यार कि ये आंसर इस तरीके का नहीं है, लेकिन अब क्या होगा कि अगर जो आंसर कॉपी मिली है तो उस तरीके से अगर उनके बच्चे ने आंसर लिखा है तो उसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस आंसर की से शिक्षकों को छात्रों ने उत्तर कितना सही लिखा है वो पता करने में सहायता मिल जाएगी। जिससे छात्र ने उत्तर कितना सही लिखा है उस हिसाब से अंक प्राप्त होंगे। देखो, अब बच्चा जितना लेवल का आंसर लिखेगा, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, मान के चलो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर बच्चे ने एक दो ही लाइन लिख दिया, किसी बच्चे ने 4 लाइन लिखा है, तो इस 4 नंबर वाले को पूरा मिल जाएगा, इस 2 वाले को आधा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे यानी कि आधे मार्क्स मिलेंगे इससे। देखो, अगर 6 नंबर के 8 प्रश्न में 8 बिंदु हैं, अगर कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 8 बिंदु हैं, 8 पॉइंट लिखने थे, और छात्र ने केवल 4 बिंदु कवर किया है, तो उसको 4 अंक ही प्राप्त होंगे, ठीक है। मतलब कुल अंक के आधे, शिक्षक के अलावा 2 और परीक्षक शामिल रहेंगे। यानी कहना चाह रहे हैं कि एक टीचर चेक करने वाला रहेगा, उनके साथ में 2 अलग से रहेंगे, ठीक है ना। चेकिंग के दौरान अलग अलग विषयों को चेक करने वालों के साथ मुख्य परीक्षक एवं उप मुख्य परीक्षक भी शामिल होंगे। देखो क्या कह रहे हैं, जब चेकिंग होगी ना तो एक रूम रहेगा बहुत बड़ा सा, जैसे मान के चलो एक रूम है बहुत बड़ा सा, यहाँ पर क्या रहेगा आप लोगों के पास में, ये एक टीचर है, ठीक है ना, या आंसर कॉपी आप लोगों की चेक कर रहा है, ठीक है, ये आंसर कॉपी आपकी चेक कर रहा है। तो यहाँ पे जो रहेगा एक मुख्य अधीक्षक रहेगा और एक क्या रहेगा, उप अधीक्षक रहेंगे। तो इनकी उपस्थिति में ही ये टीचर लोग क्या करेंगे, एग्जाम कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर वाले ले जाएंगे और फिर चेक करेंगे, ओके, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। जिससे जांच निष्पक्ष हो पाएगी, ठीक है, यानी कि जांच क्या हो पाएगी, यानी कि जो भी परीक्षा है वो अच्छे से चेक हो पाएगी। ऐसे छात्र जिनके अंक 90% से अधिक है, ध्यान से सुनना इस बात को, ऐसे छात्र जिनके 90% से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, ऐसे छात्र जिनके अंक 90% से अधिक है उनकी कॉपी दोबारा चेक की जाएगी। जिन स्टूडेंट ने 90% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं या फिर 90+ मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, उनकी कॉपी बहुत अच्छे से चेक होने वाली दोबारा की, भी गलती से तो नंबर नहीं दे दिया गया, ओके। मेरिटोरियस स्टूडेंट की कॉपी की जांच फिर से की जाएगी, सीबीएसई भी इसी पैटर्न पर जांच करेगा, यानी कि सीबीएसई भी ऐसे ही फॉलो करेगा। तो यहां से क्या क्या बात समझ में आएगी, आंसर कॉपी चेक होगी तो आपके लिए जो टीचर होगा उसको पहले से एक आंसर कॉपी मिली रहेगी और उसी आंसर कॉपी के बेसिस पर वो टीचर आपको नंबर देगा, ठीक है। आपने जितने पॉइंट्स लिखा है उसके आधार पर आपको नंबर मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने आधा आंसर लिखा तो पूरा ही कट कर दो भाई, इसका ने तो लिखा ही नहीं है, आधा ही लिखा है, तो वैसा नहीं होगा। आपने आधा क्वेश्चन लिखा है, आधा क्वेश्चन का आंसर दिया तो आपको आधा नंबर मिलेगा, फुल लिखे हो तो फुल मिलेगा। अब मान के चलो, तो जैसे आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने दो दो पॉइंट से लिखा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से, और अगर आप लोगों ने 4 पॉइंट लिखा तो आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। यही बात थी इसमें। और जिन बच्चों ने 90 से ज्यादा नंबर लाएंगे, जो बच्चे 90+ लेके आएंगे, उनकी आंसर कॉपी दोबारा चेक की जाएगी। वो इसलिए की जाएगी कि कहीं गलती से तो इनको ज्यादा नंबर नहीं आ गए, ये बात है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को ये नोटिस समझ आया होगा। तो ध्यान से अपना एग्जाम बनाइए, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ओके। बहुत जल्द मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।